स्टडी वीजा के मुद्दे से मैं बनागा थोड़ी आवाज़ कंसल्टेंट पूछांगे सीधे सवाल ते तुहानू मिलणगे थोड़े सवालों के जवाब। सो वेलकम है जी सारे स्टूडेंट्स का। ऑस्ट्रेलिया नू लैके गल करांगे अज। ऑस्ट्रेलिया किस तरीके का सक्सैस रेट दे रहा वा, किदां दे प्रोफाइल्स नू वेलकम किया जा रहा। ओपनिंग तो बाद ऑस्ट्रेलिया हजे तक फिलहाल क्वेश्चन मार्क बारे दायरे च रहा। स्टूडेंट्स के बड़े सारे सवाल आते रहे ऑस्ट्रेलिया नू लैके कि ऑस्ट्रेलिया किस तरीके नाल चल रहा, ऑस्ट्रेलिया का फिलहाल ट्रेंड की है। सो साडे अज दे एक्सपर्ट्स तो जानण की कोशिश करांगे कि ऑस्ट्रेलिया ने सक्सैस रेट नू लैके अपना ट्रेंड क्लीयर करता है। सो मैं वेलकम करूँगा सब तो पहला साढ़े अज के एक्सपर्ट ब्रॉडवे इमीग्रेशन के मैनेजिंग डायरैक्टर अमरजीत सिंह कंवर उन्होंने स्वागत है जी। थैंक यू दीपक जी, प्रोग्राम देख रहे सारे दोस्तों मेरे वालों सत श्रीकाल। सो कंवर साहब, अज की डेट की कलैरिटी दिख रही है थोनू सक्सैस रेट से, जिमें आप गल कर जा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया की? बिल्कुल जी, सक्सैस रेट में लैके, ऑस्ट्रेलिया के सक्सैस रेट में लैके कोई डरन या घबराण की लड़ नहीं है। बट जड़ी चीज़ का तुम्हें ध्यान रखना है, पहली चीज़ कि तुम ग्रैजुएशन प्रोग्राम्स लिए जाना है या मास्टर्स लिए जाना है, मतलब हायर एजुकेशन लिए जाना है, डिप्लोमे च कोई सक्सैस रेट नहीं गा। यह पहली चीज़ नोट कर लो। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हुण तुम ऑस्ट्रेलिया अप्लाई करना है तो ऑस्ट्रेलिया अप्लाई करने लिए सबर बहुत जरूरी है। ऑस्ट्रेलिया का जिहड़ा GTE का प्रोसैस है, जिहड़ा यूनीवर्सिटियां का प्रोसैस पीरियड है, वह काफ़ी लंबा हो चुका है, क्योंकि लगातार यूनीवर्सिटी दे उपर या लैवल 1 लैवल 2 इंस्टीट्यूट्स के उपर हाई कमीशन का, ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन का बहुत ज़्यादा प्रैशर है। क्योंकि तुसी सारे जानते हो जो इस साल के शुरू ऑस्ट्रेलिया खुलिया तो ऑस्ट्रेलिया ने बहुत सारा रिफ्यूजल दिता, बहुत सारे बच्चे डिपोर्ट किए, बहुत सारे फेक डॉक्यूमेंटेशन फड़िया। सो वो जड़िया चीज़ा ने इंपैक्ट जोड़ा वो यूनीवर्सिटी कॉलेजा की GTE के प्रोसैस के उत्ते आ चुका है। सो हूँ बहुत सारे बच्चे ऐसे हो गए जे GTE लैके डिले फेस कर रहे हैं, जिन्हों का GTE दो तीन तीन महीने तो क्लीयर नहीं हो पा रहा। सो यह सारा कुछ यूनीवर्सिटी के एंड ते है कि उन्होंने सारे डॉक्यूमेंट्स की वेरीफिकेशन करनी है। दैट इज़ अ रीज़न कि तुहानू यह ट्रबल फेस करनी पै रही है। बट सक्सैसफुली जगर तुसी GTE क्लीयर कर जाते हो तो ऑस्ट्रेलिया के वीज़ा नू लैके कोई नैगेटिविटी मन च रखने की लोड़ नहीं है, किसी तरह का कोई बहुत ज़्यादा रिफ्यूजल नहीं आ रहा। अगर तुहाडा डॉक्यूमेंटेशन सही है तो डेफिनेटली तुसी वीज़ा रिसीव करोगे। बट समय ज़्यादा लग रहा, इसलिए बहुत ज़्यादा जरूरी है कि जिहड़े बच्चों ने जाना है या जिहड़े बच्चे अप्लाई कर रहे हैं, जिन्हें जिहड़े प्रोसैस च ने, वो पेशेंस रखन, और जिन्होंने अप्लाई करना है वो कोशिश करन कि अपने समय तो एडवांस चलन, ज़्यादा लेट चलन। प्रेजेंटली देखो जी, हूँ जिहड़ा बच्चा जाना चाहता है, मेरे ख्याल में जनवरी वाले बच्चे नूं भी हूँ प्रोसैस शुरू कर देना चाहिए, जिहड़े हिसाब नाल GTE का ही टाइम दो तीन तीन महीने लग रहा। उस तो बाद एम्बेसी का भी रिजल्ट कोई 10 या 15 दिन नहीं आ रहा, उस भी महीने तो 2 महीने का समा एम्बेसी भी वीज़ा देने लै रही है। सो तकरीबन 4 to 5 महीने का जिहड़ा टाइम पीरियड है वो लग रहा। सो उस हिसाब नाल जनवरी वाले बच्चों भी हुण तो अपना प्रोसैस जिहड़ा है वो शुरू कर देना चाहिए। सो लास्ट सवाल कंवर साहब, किदां दे प्रोफाइल्स नूं वधिया रिजल्ट मिल रहे हैं? देखो कै ऑस्ट्रेलिया दे विच डेफिनेटली जी प्रोफाइल दे विच पहला ही आपां नूं बहुत सारे बच्चों नूं चीज़ां क्लीयर है कि बहुत ज़्यादा लंबा गैप ऑस्ट्रेलिया एंटरटेन नहीं करता, बहुत ज़्यादा घट परसेंटेज एंटरटेन नहीं करता। ग्रैजुएशन वाले जरूर चले जाते हैं 45% 40%, डिपेंड हो किहड़ी यूनीवर्सिटी तो पढ़े है, क्योंकि इंडियन यूनीवर्सिटियां दी भी उन्होंने सैक्शन कैटेगरीज बनाई हुई ने। और जिहड़े प्लस टू वाले बच्चे ने उन्होंने डेफिनेटली 660 इन ईच सबजैक्ट का जिहड़ा स्कोर है, फर्स्ट डिवीजन होनी बहुत जरूरी है। और आल्स PT का स्कोर ओवरऑल 6 5.5 in 1 मड्यूल, चाहे आल्स कर लो चाहे PT कर लो, दोनों च इक्वल सक्सैस रेट है। और इंटरव्यू यूनीवर्सिटी दी GTE पॉलिसी के अंदर ऑलमोस्ट सारी जगह हो रही ने। सो आ चीज़ा साफ सुथरा प्रोफाइल, बस कह लो भी वो प्रोफाइल जिहड़ा कैनेडा नहीं जा सकता, थोड़े जे रीजना करके ऑस्ट्रेलिया जा सकता। सो स्टूडेंट्स, ऑस्ट्रेलिया ओपन है, वधिया तरीके नाल ट्रेंड चल रहा, बट थोड़ी जी सख्ती है जिवें कंवर साहब ने कहा। सो फाइल लगाने तो पहला एक्सपर्ट की सलाह जरूरी है, कोई भी थोड़े मन के विच डाउट है तो 90238 90238 ते कॉल कर सकते हो। धन्यवाद। स्टडी वीजा के मुद्दे से मैं बनागा थोड़ी आवाज़ कंसल्टेंट पूछांगे सीधे सवाल ते तुहानू मिलणगे थोड़े सवालों के जवाब।